प्रयाग में बीए की छात्रा थी और शीताकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। प्लेटफॉर्म पर एक गोल बेंच पर देहाती वेशभूषा में, परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे जो सज्जन विराजमान थे, उनके ओर मेरी दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं, मुझे उनके अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों में न कोई रेखा जुड़ी है और न ही कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं होता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर वाला भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का भाग बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, पर एक मोजा जूते पर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसके आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए हैं। मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो उन्हें पहले कहीं देखा हो। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत इस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। उन्हें देखने वाले को किसी न किसी आकृति का व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, वही उनके सामान्य व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करती थी। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1935 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि छात्रावास में रहकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें शीघ्र कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गईं और उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतामयी। बिहार के जमींदार परिवार की वधु और स्वतंत्रता संग्राम के अपराजय सेनानी की पत्नी होने पर भी उन्हें कभी अहंकार न हुआ। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन या कुछ घंटे ठहरने पर भी वे सबको बुला बुला कर तथा उनके परिवार की कुशल मंगल पूछना न भूलती थी। घर से उनकी पौत्रियों के लिए लाए गए मिष्ठान में से प्रायः सभी बढ़ जाता था। देखने वाला यह जान ही नहीं सकता था कि वे सबकी दादी नहीं है। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रायः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते,
सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाते थे। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी व संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई। वे स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने एक दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि भटकने बछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसा उपहार लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे देखते ही अंग में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुँची थी। यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। मैं आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर परायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि